गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड, विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हिंदी में हम बाल गीत पढ़ेंगे। सुनो, गाओ और बताओ। गीत का नाम है वर्षा। बच्चों, ये चित्र में आप देख सकते हो वर्षा में दो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता धम धम धम, मोर नाचता छम छम छम। मोर, तो बच्चों मोर कैसे नाचता है? छम छम छम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। तो बच्चों, बारिश के में मेंढक कैसे कहता, कैसे बोलता है? टर टर टर। भर गए सारे तल तलैया, नाच रहे मिल ताथा थैया। तो बच्चों, वर्षा में यहाँ पर तुम बच्चों को देख सकते हो क्या कर रहे हैं बच्चे। भर गए सारे तल तलैया, नाच रहे मिल ताथा थैया। बच्चों, चित्रों में कौन क्या कर रहा है बताओ। तो बच्चों, अभी हम एक कहानी सुनेंगे, तो कहानी सुनो, समझो और दोहराओ। 4 वर्ष पहले की बात है, रोहन, गुरमित, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ने लगे, बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई, चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। हमीद फिसल कर गिर गया, गुरमीत चिल्ला पड़ा, चरवाहा डर कर पेड़ से सट कर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया के बाद बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुई बिजली गिरी, पेड़ टूट कर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा, सभी अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, चलो कागज की नाव बनाए। धन्यवाद बच्चों।